स्वयं आत्मा में अपनी शक्ति नहीं है जो मालिक होकर के शरीर को चलावे। मन कर्म इंद्रियों की आत्मा गुलाम हो गई है, बस या तो मन खींचता है या कर्म इंद्रियां खींचती है या यहां का वायुमंडल खींचता है, गुलाम है आत्मा। अभी ये अंडरस्टैंडिंग से, अंदर से अंडरस्टैंडिंग से मैं गुलामी को छोड़ूं, मालिक बनूं, तो लगेगा तीसरा नेत्र खुला। फिर बाबा सामने खड़ा हो गया, या बाबा ने खोला या मैं बाबा के पास आ गई, वंडरफुल। भले 15 साल ज्ञान में हुआ है या 30 साल ख्याल में, ये अनुभव करने के लिए अपन को अंदर टाइम नहीं दिया है। अंतर आत्मा ने अपन को टाइम नहीं दिया है। भटकने में थकी भी पड़ी है, भटकने की आदत छोड़ती नहीं है आत्मा। बाबा दृष्टि देके खींचता है, मीठी बातें सुनाता है, एक्सरसाइज कराता है, अच्छी लगती है, फिर भी आत्मा अपनी आदत छोड़ती नहीं है, उसके लिए अच्छा लगता है। तब तो इतने हजारों लोग बाबा के सामने आते हैं, पर अंदर से नेचुरली ऐसी स्थिति हो जाए जो शुद्ध शांत, अंदर शुद्ध शांत, अशुद्धि का इतना छीटा भी न, पुराना सारी क्लीन पर प्योर आत्मा, तो कोई भी पुरानी बात खींचती नहीं है। ये अपने ऊपर सबका क्वेश्चन है, बाबा कैसे क्या होगा, बाबा का सतगुरु का रूप धारण करेगा, इतना समय तो बाप टीचर सतगुरु हमारे साथ रहा है, बाबा ने ये क्यों कहा, क्वेश्चन उठता है, मेरा भी उठा थोड़ा, पर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, उसी घड़ी आंसर है। सतगुरु का रूप है ही श्रीमत, श्रीमत से पराई है ना, वो जैसे ऐसे धारण हो जाती है, मेहनत नहीं, जो कई बच्चे स्कूल में भी होते हैं मेहनत इतनी करते हैं पर इतना भाग्यवान होते हैं जो नंबर पर अच्छा लेते हैं, सदा ही फर्स्ट में आएंगे, क्यों, उनके पास एम होती है, हम नंबर कम नहीं लेंगे, शान नहीं है मैं किसका बच्चा हूं। जो जिसको ये नहीं पता है मैं किसका बच्चा हूं, मुझे फुल पास होना है ना, जिस पास ये एम नहीं होती है ना, कहीं फेल होते हैं या मरे पास हो जाते हैं, तो सारी उम्र 15 साल पढ़ेंगे 12 साल पढ़ेंगे, पर नंबर वन में आवे या अच्छे नंबर में आवे ना, नेवर, क्यों, आदत केयरलेस रहने की। या कोई न कोई कारण से एक्सक्यूज दे करके अपनी अवस्था को खराब कर देना, कारण कुछ भी हो अवस्था अच्छी रखना शान है, कारण गया पर अवस्था बाबा बड़ी अच्छी बना कर दी है, बाबा बड़ी मदद करता है, किसी भी कारण से बाबा की मदद से मैं पास हो जाती हूँ, बाबा मैं जो फुल पास होके दिखाना है, मैं बाबा मैं बनूंगी जरूर, और वो किसी को कोई बने न बने, भले सब बने
पर मैं रह नहीं जाऊं बाबा, ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें करके।